कह रहा है मेरे से कि मम्मा मैंने बहुत अच्छा काम करा है, आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम करा है। चलो चलो, अब इन्होंने पता नहीं क्या काम करा है, इनकी मैडम बुला रही है ऊपर, ट्यूशन पढ़ रही थी ये। चलो अब मेरे से नीचे जाके कह रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए मैं बैठ के खा रही थी चमैने, जो मक्के के होते हैं ना, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, मीठा भी लगता है और करारा भी लगता है। मैं रखे बैठी हूँ पन्नी, देखिए। और मालूम क्या है, अब ये जल्दी से मिलते नहीं है, नहीं तो पहले ना जब मक्का का सीजन आता था ना, यानी कि सावन का महीना आता था, उस टाइम पे हमारे यहाँ ना 5-5 10-10 किलो मक्का लेके और ले जाते थे बनवाने के लिए। तो ये जब गरम गरम होते हैं ना, उस टाइम पे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये थोड़े दिन हो जाए ना तो सील से जाते हैं, तो फिर इतने अच्छे लगते नहीं हैं। तो वही बैठ के मैं अभी इस टाइम पर खा रही हूँ। बाकी कामों से हो गई थी फ्री, और आज क्या हुआ, आज बस सुबह नाश्ता बन गया था, और अभी इस टाइम पे बज रहे हैं 12:30। तो मैंने खाना बनाया नहीं है आज, और देखिए आज मैंने पहन ली है साड़ी। कभी कभी मन करता साड़ी भी पहननी चाहिए, तो आज मुझे ऊपर ये मिल गई थी तो मैंने पहन ली। वैसे मैंने क्या करा साड़ियों को ना, क्या करती हूँ, अलमारी में टांग देती हूँ ना, हैंगर में टांगती हूँ, तो क्या होता है जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना कपड़ों को टंगे हुए, तो ना मिट्टी सी छा जाती है, जबकि अलमारी बंद रहती है फिर भी। तो मैंने सोचा 6-7 साड़ी मेरी ऊपर ही टंगी हुई है, बाकी तो मैंने अंदर जो साड़ी के कवर है ना उसमें मैंने बंद करके रखी हुई हैं। तो मैंने सोचा एक एक दिन पहन लेती हूँ, उसके बाद फिर धो के रख दूँगी, क्योंकि नंबर नहीं आता जल्दी से, मैं पहनती नहीं हूँ इस वजह से। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, तो मैं कह रही हूँ कि मैंने खाना नहीं बनाया था, तो अयान सुबह मेरा बोल के गया था, कह रहा मम्मा मुझे खाने हैं छोले भटूरे, तो इस वजह से फिर मैंने खाना नहीं बनाया। तो अभी अयान को लेने के लिए गए हैं, तो उधर से ले आएंगे, तो खाने की तो हो गई है मेरी टाल। और अब आ गई हूँ मैं बाहर, और बाकी मैंने घी का रायता बना के रख दिया है। मुझे घिया का रायता बनाऊँ ना तो उसके साथ मुझे चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो चावल तो घर मैंने नहीं बनाए हैं। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि यार मेरा आ जाए ट्यूशन से, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। मेरे घर में ना बिल्कुल सूना सा रहता है, और फिलहाल खाली बैठे मैं यही काम कर रही थी, चमैने खा रही थी। आप क्या होते हैं बताना, पता नहीं आप लोग वीडियो देखते हो, कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट करा करो, कोई भी कमेंट नहीं करता है, अच्छा बुरा कैसा भी तो करा करो। इधर की लाइटें बंद है तो अंधेरा इस टाइम पे। और मुझे करनी है अपनी किचन भी, पूरी किचन मुझे साफ करनी है। तो मैं सोच रही हूँ अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो इस चक्कर में मैं सोच रही हूँ अभी और रुक जाती हूँ एक हफ्ते, उसके बाद फिर मैं अपनी पूरी किचन है वो करूँगी साफ। और डब्बे भी मेरे खाली हो रहे हैं, तो मुझे इनमें सामान भी भर के रखना है, सामान मैंने ला के रखा हुआ है सारा राशन का। लेकिन मालूम क्या होता है, अब डब्बों में थोड़ा थोड़ा सामान पड़ा हुआ ना, मैं सोच रही ये ख़त्म हो जाए उसके बाद डालूँ, और नहीं तो नया सामान डाल दो ना, तो जो पुरानी वाली दाल है, बेसन या चाय पत्ती, जो भी सामान होता है ना, तो फिर वो नीचे रह जाता, तो अब सारे डब्बे खाली हो जाए उसके बाद मैं सामान पलट के रखूँगी। तो इस टाइम पे काफ़ी डब्बे खाली हैं, काफ़ी भरे नहीं हैं, थोड़े से खाली हैं, तो मैंने अभी डाला नहीं है सामान। और ज़्यादा देर तक मैं हाथ में पकड़ती हूँ ना फोन, तो मेरे हाथ में ना दर्द होने लग जाता है। ट्राईपोर्ड पर मैं कमी लगाती हूँ, ट्राईपोर्ड पर फ़ोन लगाओ ना तो उसका मतलब होता है कि हाँ एक जगह खड़े होके बात कर लो, और जो हाथ वाला है वो मैं जल्दी से लेती नहीं हूँ, तो ज़्यादातर ना मैं हाथ से ही पकड़ लेती हूँ। मैंने तड़का लगाया था घिया का रायता बनाया, तो उसमें तो तवा रखा हुआ है। तो चलिए अभी कर रही हूँ इनका इंतजार। तो बेटा ड्रेस तो उतार ले,
नहीं उतारनी। तो गली रही हो रही है ना कब ऊपर नहीं वैसी है ना, एक ही खोलो दोनों में तो खोलो, कौन खाएगा इतना। हाँ, रात को खाऊंगा ना बेटा, रात तक खराब हो जाएगा ये। आपने करा क्या ये तो बताओ मुझे पहले। कह रहा है मेरे से कि मम्मा मैंने बहुत अच्छा काम करा है, आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम करा है। चलो चलो, अब इन्होंने पता नहीं क्या काम करा है, इनकी मैडम बुला रही है ऊपर, ट्यूशन पढ़ रहे थे ये। चलो पता नहीं क्या इसने शैतानी करी है, क्या नहीं करा है। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, साड़ी उतार दी है क्योंकि कपड़े धोने थे काफ़ी सारे। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। चल तो मशीन लगा रखी है। देखिए मेरा शैतान बच्चा है, पता नहीं क्या क्या शैतानी करता रहता है ये। चलो क्या करा है इन्होंने, इसको आज आप क्या हुआ ना, गंदा दिख रहा है ना, मैं जाती हूं तो मेरे तरफ मम्मी को बुलाते हैं। अब मेरे से नीचे जाके कह रहा है, मेरे को ये कह रहा है, मम्मा आपके बेटे ने आज बहुत अच्छा काम करा है। आओ इधर आओ, आप तो अभी ये कह रहे थे कि मम्मा आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम कराया, नहीं ये बोल रहा था मेरे को जाके नीचे। और यहाँ पे देखा है तो गंदा काम कर रही है ये, इसकी आदत है, ये आराम से नहीं लिखता है। चलो ऑटो में जा रही हूँ, तो बेटा मेरी गोद में बैठेगा क्या तो आप अच्छा अच्छा लिखोगे ना, तो नहीं खराब करेंगे, ऐसा नहीं लिखना बेटा, अच्छा अच्छा लिखो। अयान को तो मैं ऊपर छोड़ आई हूँ, और बाकी क्या था, मैंने दोपहर में आज मशीन लगाई थी, जबकि कपड़े मशीन में ही पड़े हुए थे, मैंने निकाले नहीं थे, बस सूख गए हैं कपड़े, तो बस इनको मैं तार पे डाल देती हूँ सारे कपड़ों पे। और एक मालूम क्या होता है, जब एक जॉइंट फैमिली का मतलब और अकेले रहने का मतलब ये होता है, जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो घर में कहते नहीं बड़े बूढ़े होते हैं, तो उनका ना थोड़ा सा डर क्या एक भय रहती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो ना तो पूरा कर लो, अधूरा ना छोड़ो। और जब अकेले रहते हैं तो किसी चीज़ का डर नहीं होता, जब मर्जी आए काम करो ना करो, वही मेरा हाल है। तो मेरे कपड़े दोपहर के पड़े हुए थे, अब जाके मैंने सुखाए हैं। और यही कहते नहीं जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो काम करा ना उसको पूरा कर लो, अधूरा ना छोड़ो, नहीं तो घर में कोई ना कोई किचकिचबाजी करता रहता है। ये चीज़ रहती है अकेले रहने में और सबके साथ रहने में, यही फ़र्क होता है। और आजकल ऐसी सर्दियाँ शुरू हुई हैं ना, वैसे ही क्या हुआ है, दिन छोटे होने लग गए हैं, तो 6:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है। इस टाइम पे 7:45 बज रहे हैं, देखिए मेरे लाइट बंद कर दो ना तो पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। और इधर गैस पर रखा हुआ है मैंने दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि अयान को दूध देना है, वो आने वाले हैं अभी तो। और अपनी मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी, तो देखिए कॉफ़ी रेडी हो गई है मेरी, अयान का दूध भी डाल के देती हूँ। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।